हे ऑसम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सारे, आई होप बढ़िया हो। तो गाइज, आज का वीडियो मैं लेकर आया कुछ इस टाइप का महा शिवरात्रि फोटो एडिटिंग। इससे पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों एपिक का, तो आप जाकर ये भी वीडियो देख सकते हो। तो आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इस टाइप का महादेव फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, कुछ इस टाइप का लाइट इफेक्ट देख रहे हो हेयर पे कैसा आ रहा, लग रहा है इलास्टिक टाइप का मॉडल यहीं पर खड़ा था पहले से, देख सकते हो फोटो कितना ऑसम लग रहा है दोस्तों। तो कुछ ही सेकंड में कुछ इस टाइप का फोटो कैसे एडिट कर सकते हो। अगर आप भी ऐसा एडिट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो लेट्स गो फिर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है पिक्सआर्ट ऐप में, और इसे ओपन कर लेता हूँ। पिक्सआर्ट ऐप ओपन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले ऐड टूल पे आऊँगा, प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक कर, और उसके बाद ऑल फोटो पे आऊँगा दोस्तों। और यहाँ से मैं अपना एक बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ, तो मैं ये वाला बैकग्राउंड ले रहा हूँ दोस्तों। और ये बैकग्राउंड चूज करने के बाद दोस्तों मैं ऐड फोटो पे आऊँगा। तो यहाँ से ऐड फोटो पे आपको आना है, और यहाँ से अपना मॉडल का फोटो ऐड कर लेना है। तो मैं मॉडल का फोटो ऐड कर लेता हूँ। अगर हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी पिक का बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आता है या फेस स्मूथ करने नहीं आता है, तो मैं उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लेना। या तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। तो बहुत ईजी है दोस्तों कैसे इरेज करते हैं किसी भी पिक का बैकग्राउंड। मैं पहले से करके रखा हूँ, वीडियो लंबा नहीं हो, यहाँ से कर देंगे डन। आपको फिर से आना ऐड फोटो में, यहाँ से लाइट का PNG ऐड करूँगा एक, तो देख सकते हो ये लाइट वाले पे क्लिक कर ऐड कर लिया। और उसके बाद इसको ब्लेंड कर दूंगा थोड़ा सा, यहाँ से स्क्रीन पे आऊँगा ब्लेंडिंग मोड पे जाकर, और यहाँ से देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसे रखूँगा और ऐसे जूम करूँगा और यहाँ से कर दूंगा डन। तो लाइट इफेक्ट देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना ऑसम लग रहा है दोस्तों। हेयर पे जो लाइट आ रहा है इलास्टिक लग रहा है, एकदम ऑसम लग रहा है, रियल टाइप का लग रहा है। यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से स्मोक ऐड कर लूँगा। अब तो और बॉम जैसा फोटो एडिटिंग हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हो कितना बॉम जैसा लग रहा है, एकदम कितना ऑसम लग रहा है। बैकग्राउंड ही बहुत गजब है दोस्तों ये। यहाँ से फिर से आऊँगा ऐड फोटो पे, और यहाँ से फिर से महादेव का PNG ऐड कर लूँगा। तो मैं यहाँ से महादेव का PNG ऐड करता हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और यहाँ से कर दूंगा डन। बिफोर आफ्टर कितना ऑसम फोटो एडिट हो 6 सेकंड में दोस्तों। यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे आते हैं, और फिर से ऐड फोटो पे आने के बाद फिर से मैं एक और PNG ऐड करूँगा। तो ऐड फोटो पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से त्रिशूल ऐड कर लूँगा और ये ऐड कर लूँगा, ये दोनों एक साथ इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा, कुछ ऑसम टाइप का लगना चाहिए दोस्तों। उसके बाद त्रिशूल को एडजस्ट करूँगा ऐसे कुछ, इसको यहाँ से क्लिक करना इस पर, और इसको मूव अप कर लेना, और इसे इस तरह से रोटेट कर लेना, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना, ऐसे कुछ इस साइड लाना, और यहाँ से फ्लिप कर लेना, फ्लिप पर आना, ऐसे फ्लिप कर लेना, और कुछ इस तरीके से इसे रखना। और उसके बाद इसका कैपेसिटी कुछ डाउन कर देना, तो ओपेसिटी में आते हैं, इसका कैपेसिटी कुछ डाउन कर देना, और यहाँ से कर देते हैं डन। तो देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना ऑसम फोटो एडिट हो जाता है, कुछ ही सेकंड में ऐसा फोटो एडिट हो चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ड्रा टूल पर आना है, यहाँ से सेव कर लेना है। लेकिन अभी फोटो एडिट नहीं हुआ दोस्तों, अभी इसे लाइट रूम ऐप में लेकर जाऊंगा। तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ से सेव इमेज कर लेना है, ये फोटो सेव हो चुका है। अब मैं इस फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन करूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ये लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, मैं ऑल फोटो पर क्लिक करूँगा। ऑल फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, ऐड फोटो पे क्लिक करूँगा, और जो अभी मैं फोटो अभी पिक्सआर्ट में सेव किया हूँ वो फोटो को मैं यहाँ ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों मैं ये फोटो को रिटच करूँगा, और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगेगा, एकदम क्रिएटिव ऑसम टाइप का एडिटिंग लगने लगेगा दोस्तों। तो यहाँ से ऑटो एडजस्ट वाले पे क्लिक करूँगा पहले, उसके बाद इस पे आऊँगा, और यहाँ से एडजस्ट कुछ इतना कर लेगा। उसके बाद कंट्रास्ट इंक्रीज, शैडो इंक्रीज, ब्लैक से कुछ इतना इनक्रीज। उसके बाद टेम्परेचर वाले टूल पे आऊँगा, मिक्स वाले पे आऊँगा, और यहाँ से ऑरेंज वाले पे आऊँगा, इसे इंक्रीज कर लूँगा हल्का, और यहाँ से येल्लो वाले पे आऊँगा, इसे देखो कलर चेंज होता है, लेकिन मेरे को येल्लो ही अच्छा लग रहा है, सनलाइट का कलर एकदम, तो इतना रखूँगा। और उसके बाद दोस्तों ग्रीन वाले पे आऊँगा, इसे कुछ इतना रखूँगा। उसके बाद ब्लू वाले पे, इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, और यहाँ से करूँगा डन। उसके बाद सेचुरेशन को इंक्रीज कर लूँगा, और टेम्परेचर को कुछ दे दूँगा -50
प्लस 5 और उसके बाद इस पर आऊँगा, टेक्सचर इंक्रीज, क्लियरिटी इंक्रीज, डेज इंक्रीज, बिगिनर डाउन, और यहाँ से कर दूंगा डन। अब आते हैं प्रोफाइल वाले टूल में और यहाँ से मॉडर्न 10 यूज करूँगा दोस्तों, बहुत औसम लगेगा देखने में। तो देख सकते हो यहाँ मॉडर्न 1 2 3 4 आ गया, ऐसे ऐसे स्लाइड करना मिल जाएगा, मॉडर्न 10 पे आ गया दोस्तों, कितना औसम लगने लगा देख सकते हो। बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा, बिफोर फोटो कितना घटिया लग रहा था, अब देखो इससे पहले तो और घटिया था, आप देख ही सकते हो, और ऐसे देखो आफ्टर कितना औसम लग रहा है। तो इस पर क्लिक कर कर यहाँ से एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर कर सेव कर लूँगा दोस्तों फ़ोन में। तो वीडियो अच्छा लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी महाशिवरात्रि ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।